तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ लेंस इज रैप्ड इन अ ब्लैक ब्लैंक पेपर एज शोन। तो मैंने बताया था अगर पट्टी लगा भी दोगे बीच में तो फुल इमेज फॉर्म होगी लेकिन विद लेस ब्राइटनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर स्पेस बिटवीन लेंसेज इन द कॉम्बिनेशन शोज पर फिल्ड विद वाटर, तो ये नीले रंग का पानी है, वॉट वुड हैपन टू द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा इसमें फोकल लेंथ का और पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इसमें क्या होगा ये बताना है। अब इस केस में तो फोकल लेंथ, देखो एक बात तो पक्की है, फोकल लेंथ और पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज होती है तो पावर इंक्रीज है, डिक्रीज है, अनचेंज्ड है, तो बी ऑप्शन तो किसी भी हालत में हो नहीं सकता ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये भी गलत है, कैसे होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ही होगा क्योंकि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है, तो दो ऑप्शन तो हर हालत में है ही नहीं। अब शुरू करते हैं, ये क्या है, ये आपकी प्लेनो कन्वेक्स, डबल कनकेव प्लेनो कन्वेक्स। तो इसके अंदर पहला लेंस क्या है, कन्वेक्स है, दूसरा क्या है, कनकेव है, तीसरा क्या है, कन्वेक्स है। तो दो कन्वेक्स हैं, एक कनकेव है, दो पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, कम। पावर कम होगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। रेडियस तो सेम ही है सबका, रेडियस में चेंज है ही नहीं, है ना, कर्वेचर तो सभी का सेम है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ओरली कैसे करना है, दो कन्वेक्स हो गए, एक कनकेव हो गया, आंसर ठीक, कैसे करना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखना, टू कन्वेक्स लेंस प्लेस इन कॉन्टैक्ट फॉर्म द इमेज ऑफ द डिस्टेंस एट पॉइंट पी। तो लेंस कॉम्बिनेशन, आपने एक चीज नोट की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेंस मेकर और लेंस कॉम्बिनेशन पे है, और सच बताऊं तो आएगा लेंस कॉम्बिनेशन, लग ही रहा है लेंस के ऊपर, अकेला लेंस तो आने से रहा, लेंस का कॉम्बिनेशन ही आने वाला है, पक्की बात है। तो लेंस कॉम्बिनेशन है, दो लेंसेज हैं और इमेज बी पी पे बन रही है, तो इफ द लेंस बी इज मूव टू द राइट, तो लेंस बी जो है वो राइट की तरफ मूव करते हैं, तो इमेज कहां मूव करेगी ये बताओ। ठीक है, तो लेंस बी जो है वो अगर राइट मूव करेगा तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल डिक्रीज। ऐसा क्यों, कैसे, डिस्टेंस बढ़ गया। देखो सिंपल है, ये पास है, लाइट एंटर करते ही उसी टाइम कन्वर्ज हो जाती है, तो फोकल लेंथ कम है, है ना। देखो अगर लाइट यहां से आती है, आप वैसे सोचो लाइट आते ही दो दो लेंस को कन्वर्ज कर देते हैं, पर अगर आप इनमें गैप बढ़ा देंगे, देखो नो डाउट ये कन्वर्ज करेगा, फिर ये कन्वर्ज करेगा, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, दूर जाके कन्वर्जेंस होगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर क्या हो जाएगी इसमें, डिक्रीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप दो लेंस को दूर दूर करते 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 इतनी दूर ले जाओ, हटा ही दो एक को, तो पावर तो ऑब्वियसली कम ही होगी ना, बढ़ेगी कैसे। ठीक है, तो पावर एक ही लेंस रह जाएगा अल्टीमेटली, दूरी करने से पावर कम होगी, पावर बढ़ेगी थोड़ी ना, पास लाने से पावर बढ़ेगी, जितना दूर लेके जाओगे पावर कम हो जाएगी। ये किया हुआ है हमने, इसमें ये ग्लास है, ये सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, कितने किस्म का ग्लास यूज कर रहे हैं इसमें, दो, तो कितनी इमेजेस बनेंगी, दो। ये ना देखें कि स्ट्रिप्स हैं, दो, वो काले वाला ग्लास जो है एक जगह फोकस करवाएगा और व्हाइट वाला एक जगह फोकस करवाएगा। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट, ये तो फॉर्मूले से हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ये गिवन है, ये देखो क्या हुआ है, करना जरा ट्राई, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एन टाइम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज है और एन गुना ज्यादा बड़ी है, कन्वेक्स लेंस है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट
क्या होगा, यू निकालना है। देखो आज फॉर्मूला क्या हुआ है अपने ये वाला, मैग्निफिकेशन एन है, मैग्निफिकेशन अगर एन है तो ये वैल्यू पुट करके क्या आएगा, यू आएगा आंसर। तो इसके अंदर जो यू आ रहा है वो ये आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ये गिवन है, उसने कहा ना मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो माइनस साइन निकाल भी लोगे तो आंसर मार्क कर लेना, वन माइनस साइन की जगह एन माइनस वन हो जाएगा, यू तो नेगेटिव होता है वैसे भी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर वही करते हैं, ठीक है यहाँ तक। इस क्वेश्चन का आंसर, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, फॉर्म्स ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द थिन, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द थिन लेंस, इट्स इमेज फॉर्म 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इन सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट का साइज 15 गिवन है, ऑब्जेक्ट कभी उल्टा नहीं होता, ऑब्जेक्ट सीधा होता है हमेशा, प्लस 15, तो इमेज का साइज बताना है। तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड पे हैं, यू भी नेगेटिव वी भी नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इमेज का साइज, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट सेवेंथ, वन सरफेस ऑफ लेंस इज कन्वेक्स और अदर इज कनकेव, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2, तो लेंस विल बी कन्वेक्स अगर क्या कंडीशन ट्रू मानते हो। तो देखो एक चीज़ तो पक्का है कि ये लेंस मेकर है, लेंस मेकर में एक R1 रेडियस है, एक R2 रेडियस है, और आप चाहते हो कि ओवरऑल ये क्या बने, कन्वेक्स लेंस बने, तो ओवरऑल जो ये लेंस है ये कन्वेक्स बने। कन्वेक्स बनाने के लिए फोकल लेंथ को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव रखने का मतलब ये टर्म शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब 1/R2 इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R2 ग्रेटर देन R1, तो लेंस मेकर में कंडीशन लगा दो, लेंस मेकर के अंदर ये टर्म अगर पॉजिटिव चाहिए तो ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी आंसर। किसमें, वन से कम नहीं होता ना, ठीक। नेक्स्ट एट्थ, लेंस फॉर्म द वर्चुअल इमेज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो वी पता है, यू पता है, फोकल लेंथ निकालनी है बस, तो पुट कर लेना यार, ऐसा कनकेव आ गया, कुछ करना ही नहीं इसमें तो। नेक्स्ट देखो, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये प्लीज़ हमने किया हुआ है, तो ये होमवर्क लिखो, इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट जो है 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th, लेंस मेकर है,
रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज 20 R, पता है 20 प्लेनो कन्वेक्स है तो एक आर इन्फिनिटी और इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फोकल लेंथ आपको निकालनी है, प्लस 40 आएगी और कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, लेंस मेकर है, सिंपल ये कर लो। Consider an equi-convex lens of radius of curvature r and focal length f. Refractive index mu है, तो आपको क्या बताना है इसमें कि f अगर greater than r है तो mu का क्या होगा? Equi-convex है, double convex है, एक r positive एक r negative, तो 1 by focal length इसके equal आ गई। Question में क्या given है? F greater than क्या है? R, तो अगर ये f greater than r है तो इसका मतलब अगर मैं cross multiply करूँ इसमें तो f by r की वैल्यू क्या आएगी? 1 by 2 into mu minus 1, greater than 1 है, f greater than r है, fraction greater than 1 है, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, ये टर्म आ गई, less than 1 है, ये टर्म आएगी, तो mu minus 1 ये हाफ आ गया, तो mu less than 1.5, ठीक है यहाँ तक। ये स्टेप देखो, ये क्लियर है। अब क्वेश्चन में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f बाय r क्या आएगा? f बाय r ये आएगा, ठीक है, f ग्रेटर देन r है, f ग्रेटर देन r, तो f बाय r यानी कि ग्रेटर देन 1 हो गया ना, तो ग्रेटर देन 1 है, तो ये टर्म भी ग्रेटर देन 1 है, यहाँ से सॉल्व कर लिया, फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि f ग्रेटर देन r हो गया ना, f जो है वो ग्रेटर देन r है, तो मैथ्स के अकॉर्डिंगली अगर f ग्रेटर देन r है तो ये जो r को नीचे ले आओ ना तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी टर्म फ्रैक्शन, तो वहां से आंसर आएगा, तो म्यू जो है वो लेस देन 1.5 है। नेक्स्ट convex lens forms image of an object placed 20 cm from it at a distance of 20 cm on the other side of the lens, u pata hai, v pata hai, u negative v positive, object 5 cm towards the lens leke aa rahe hai, to image kahan move karegi, to isme u pata hai v pata hai to focal length aa gayi, to pehle object kitni duri pe tha, 20 pe tha, ab main 5 cm pass le aaya to ab nayi duri kya ho gayi, 15 minus 15, to v nikalna hai, फोकल लेंथ हमने निकाल ली, तो v आ जाएगा, v की वैल्यू क्या है? 30, पहले v कहां पर था? 20, अब कहां पर हो गया? 30, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, ठीक है यहां तक।